कुछ दिन पहले मेरे को पता चला कि यूएई में एक मॉस्क है जो 600 ईयर्स ओल्ड है एंड इट्स नेम इज अल बिदाया मॉस्क। इट्स इन फुजैरा। दुबई से करीब करीब 2 घंटे का रास्ता है फुजैरा के लिए। फुजैरा वन ऑफ द एमिरेट है जो डायरेक्ट एक्सेस देता है यूएई को इंडियन ओशन के लिए। शारजा क्रॉस हो चुका है एंड जीपीएस के अकॉर्डिंग हम लोग 20-25 मिनट में फुजैरा पहुंच जाएंगे। फुजैरा सिटी दुबई या अबूधाबी जैसा एमिरेट नहीं है। यहाँ का आर्किटेक्चर, रोड्स एक्सेट्रा आज भी इनिशियल यूएई के डिज़ाइन जैसा है। इस एमिरेट को शारजा अथॉरिटीज़ ही हैंडल करती है, जैसे कि पुलिस, म्यूनसिपैलिटी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ये सब शारजा अथॉरिटीज़ के अंडर ही आता है। यहाँ आगे ओशन देख के मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 2018 में यूएई की नेशनल एडवाइजरी ब्यूरो ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया कि यूएई से मुंबई तक एक अंडर वाटर बुलेट ट्रेन स्टार्ट की जाए। जैसे कि मैंने पहले कहा, फुजैरा डायरेक्टली इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, इसलिए ये ट्रेन फुजैरा से स्टार्ट होगी। सो मॉस्क मेरे पीछे ही है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस। इस मॉस्क का डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अनसर्टन है, बट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ फुजैरा एंड दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने इस जगह का रेस्टोरेशन करा, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये मॉस्क 14th या 15th सेंचुरी में बना था। अलबिदिया मॉस्क तो बंद है एंड एक और मॉस्क है यहाँ पे, ग्रैंड शेख जायद मॉस्क, वो भी बंद है। हम बाहर से सिर्फ देख सकते हैं इसको, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लान को चेंज करते हैं एंड कोई दूसरी जगह चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू हत्ता दुबई। ये जो हत्ता है, ये हत्ता दुबई में है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बॉर्डर है ओमान का। तो ये जो हत्ता है वो ओमान में भी है। आप जो राइट पे पैलेस जैसा देख रहे हैं, ये कोई पैलेस नहीं, ये एक कॉलेज है एंड उसके अलग अलग एजुकेशनल विंग्स है। अब हम सिटी से बाहर हाईवे पे आ गए हैं। ये मुझे ऑयल रिफाइनरी लग रहा है। लेफ्ट तरफ ओशन है एंड ऑन शोर ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग मशीन्स दिखी थी, तो ये ऑयल रिफाइनरी होना चाहिए। वैसे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व अबूधाबी के पास है, फॉलोड बाय दुबई एंड शारजा। एंड मैंने इतने पास से कभी कोई ऑयल रिजर्व नहीं देखा है। इस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े टैंक्स हैं। Yes, I was right. It's Fujairah Oil Terminal Company. मुझे यूएई में ये सबसे पहला नंबर सिस्टम वाला ट्रैफिक लाइट दिखा। इंडिया में लगभग हर सिटी में नंबर सिस्टम ही है। मैं हमेशा से इस बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाता था कि दो कंट्रीज़ की बॉर्डर कैसी लगती होगी। मेरे लेफ्ट में जो आप बार्ब वायर देख रहे हैं वो यूएई एंड ओमान का बॉर्डर है। बिल्कुल आखिरी पॉइंट से ही हम जा रहे हैं एंड इधर कैमरा एंड रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ। हत्ता तो हम पहुँच गए। यहाँ की वन ऑफ द अट्रैक्शन है हत्ता रिजर्वॉयर। ये कोई माउंटेन हाइक से कम नहीं है यार।
ये लोकेशन मैंने देखा तो अभी मेरे को याद आया कि एक शाहरुख खान का एड है दुबई के बारे में, एंड ये यहीं पे शूट किया गया था। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, अगर मैं ये आपको दिखाऊंगा तो। वो स्टैंडिंग समवेयर मिडल ऑफ दैट माउंटेन एंड कुछ ड्रोन शॉट्स थे। यहाँ हर कोई गाड़ी ऊपर नहीं लेके आ सकता, आई डोंट नो द रीज़न। यहाँ सिर्फ डैम नहीं है, हत्ता में माउंटेन सफारी, हेरिटेज विलेज स्टे, माउंटेन बाइकिंग, वाटर स्पोर्ट्स जैसे बहुत एक्टिविटीज़ भी है। हत्ता इज़ फिल्ड विद नेचर्स ब्यूटी, जहाँ आप अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चाहे आप रेसिडेंट हो या टूरिस्ट, you should visit this place to enjoy its scenic beauty. If you like this video, please like, share and comment on this video and do subscribe to my channel.